निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलीडे को एक साल तक के लिए बढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ स्टार्टअप्स को दिए कैपिटल छूट को भी और एक साल के लिए बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए 830 करोड़ रुपयों के फंड को भी एलोकेट किया गया है। कोविड के चलते बहुत से स्मॉल स्केल बिजनेसेस को नुकसान पहुंचा था, ऐसे में आने वाले वक्त में स्टार्टअप इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म करती है ये देखना होगा। सरकार का कहना है कि वो OPCs यानी वन पर्सन कंपनीज के गठन को प्रोत्साहन देगी, जिसके चलते स्टार्टअप्स को और उन लोगों को जो कुछ अलग करना चाहते हैं उन्हें फ़ायदा पहुंचेगा। इन्हें पेड अप कैपिटल और टर्नओवर पर बिना पाबंदी के बढ़ोतरी करने की छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप के लिए बड़ा प्रोत्साहन होगा और सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना चाहती है और इसी के चलते इस बार के बजट में स्टार्टअप्स के लिए एक साल तक के टैक्स हॉलीडे का ऐलान किया गया है, जिसका मतलब है कि किसी भी स्टार्टअप को 31 मार्च 2022 तक कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश में नए स्टार्टअप्स को शुरू और विकसित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपयों के फंड का ऐलान किया था और इस स्कीम को स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग का नाम दिया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि कोविड के इस दौर में फंडिंग की कमी के कारण बहुत से स्मॉल स्केल, बहुत से स्टार्टअप्स जो हैं वो बंद हुए थे, तो अब जब सरकार ने फंडिंग के साथ साथ टैक्स में भी रियायत दी है तो इस फैसले का लोगों को स्वागत करना चाहिए।